हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथरा रेस्क्यू टीम। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है आप सभी का। दोस्तों देख सकते हैं, जस्ट सूचना मिली, एक बार फिर से कोई जहरीला मेजबान घर में प्रवेश कर गया है। चलते हैं, क्या दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों है तो काफी रिस्की काम, तो उससे पहले अपना आई जो एकदम स्थिर करके रखिएगा, क्योंकि कहाँ पता आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दोस्तों कहाँ पकड़ना काफी रिस्की काम होता है और ऐसे में खतरा बना रहता है, और जब मौत आती है तो किसी से बता के नहीं आती है। और हम तो कहेंगे पहले चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मौत का कोई ओटीपी नहीं आता है। कहाँ पता जब आप हमें याद करें तब हम इस दुनिया में न रहें। दोस्तों काफ़ी रिस्की काम है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि गरीबी में पैदा भले हुए हैं, मानना नहीं चाहते हैं। दोस्तों माँ बाप का दुख तकलीफ देखा नहीं जाता है, सपोर्ट करिए थोड़ा सा। दोस्तों अपने मेहनत पर विश्वास है कि हम मंजिल को पा सकते हैं, तभी ये मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों बजरंग बली रोड अपने भूख पे अंदाजा था, तभी वो सूर्य भगवान को निगल पाए थे। वैसे भी हमको अपने मेहनत पर अंदाजा है कि हम अपने मेहनत और जुनून के साथ उस मंजिल को पा सकते हैं, उस लक्ष्य को पा सकते हैं। चलिए तो बहुत हुआ, पहले उनसे भी रूबरू करा दें जो हमको कॉल करके यहाँ बुलाए हैं, जो हमको सूचना दिए थे। आइए सर, एक बार अपना नाम पता बताइए जो हमको कॉल किए थे। आइए प्लीज। अपना नाम बताइए। जितेंद्र कुमार पाल। थोड़ा तेजी से बोलिए। जितेंद्र कुमार पाल। गांव का नाम? गोपालपुर नमाजीगढ़ तादीपुर सुल्तानपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थाना तादीपुर है ना? जिला सुल्तानपुर। शाम को कितनी देर पहले आए? हो गया एक घंटा ज्यादा। उसके बाद क्या किए? मतलब नंबर उम्बर कैसे, कॉन्टेक्ट नंबर? अरे निकाले थे कई बार ना, तो नंबर से मतलब पहले से था। तो चलिए दोस्तों निकाल दिखाते हैं, बस आप लोग वीडियो कम तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों दुर्घटना होने में देर नहीं लगती, वीडियो कम तक बने रहिएगा, क्योंकि कब दुर्घटना हो जाए कुछ पता नहीं होता इस काम में। आइए प्लीज चलते हैं। आइए भैया कैमरा मैन, थोड़ा आइए आप। हम तो फ्लैश और बाल दोस्तों देख सकते हैं, अपने भारत देश का एक ऐसा बेजुबान है, यानी ये कैसा सांप है। दोस्तों ये काटता बहुत तेजी से, भागता भी बहुत तेजी से। दोस्तों इसी को इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक, हिंदी में धामन, और गांव देहात में इसी को घोड़ कराई के नाम से जानते हैं। दोस्तों काफी बिग साइज का लग रहा है। दोस्तों इसकी पूरी लंबाई अपने भारत में लगभग 1.5 मीटर के आसपास पाया जाता है। दोस्तों बहुत तेजी से अटैक करेगा और बहुत तेजी से बाइट करता है। दोस्तों पूंछ से बहुत जबरदस्त मारता है। चलिए पहले बाहर चलते हैं। भैया छड़ी ले लीजिए। दोस्तों बहुत तेजी से बाइट करने वाला सांप है। दोस्तों एक मिनट में हमको 8 बार बाइट किया था, समझ सकते हैं कितना फुर्तीला सांप होता है। दोस्तों एक तो अफ्रीका का ब्लैक माम्बा और हमारे इंडिया का इंडियन रेड स्नेक, जिसे हिंदी में धामन, गांव देहात में घोड़ कराए के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये सांप बहुत तेजी से भागते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अटैकिंग मूड में है ये, जब अपने सिर को फुलाते हैं तो बहुत तेजी से बाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ की कला देखिए कैसे आवाज कर रहा है। दोस्तों देखिए इसके पहले भी इसको चोट चपेट लगा हुआ था शायद। दोस्तों बहुत तेजी से बाइट कर सकता है, पूरा फुल अग्रेसिव है। देखिए कैसे अपने गर्दन को फुला रहा है, यानी ये बाइट करने के फिराक में है। लेकिन पहले इसे शांत करा लिया जाए, क्योंकि ये बाइट कभी भी कर सकता है, पहले इसे शांत कराएंगे। दोस्तों देखिए कितना तेजी से गरज रहा है। दोस्तों काफी बिग साइज का, अपने भारत में पूरी लंबाई इसको लगभग 12 फीट के करीब में पाया जाता है, पूरी लंबाई इसका अपने भारत में। दोस्तों अभी भी ये थोड़ा बहुत और बढ़ेगा, लगभग 12 फीट का भी नहीं हुआ है, अभी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों काफी खाया पिया है, इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है काफी खाया पिया है। दोस्तों बहुत तेजी से भागता है, इसका पसंदीदा भोजन चूहा होता है, चूहा को खाने के लिए घर में आता है। लेकिन दोस्तों ऐसा मेजबानों को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों देख सकते हैं पूरा मुंह को खोल के बाइट कर रहा है। देखिए देखिए कैसे बाइट कर रहा है। दोस्तों इस बेजुबान को, जैसे हमको आपको जीने का अधिकार है, वैसे इस बेजुबान को जीने का अधिकार है, आपको मारना नहीं है, क्योंकि ये बेजुबान है, इसको मारने से क्या होगा।
जान हम में भी है और इस बेजवान में भी है, कोई अंतर नहीं है। हमको आपको कहीं चोट लगेगा दर्द होगा, वैसे इस बेजवान को भी चोट लगेगा दर्द होगा, लेकिन ये बेजवान है अपना दुख तकलीफ बता नहीं सकता है। हम ही आप हैं जो इस बेजवान का दुख तकलीफ समझ सकते हैं, बाकी कोई समझेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों इस धरती पर इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको भगवान सोचने और समझने की शक्ति दे रखी है। अगर आप हम आप इसे नहीं समझेंगे कोई नहीं समझेगा। हम ही आप में भगवान ने बुद्धि विवेक दे रखा है। दोस्तों देखिए कुंडली मार लिया है पूरी तरह से भैया, पब्लिक प्लेस लग लगी है दोस्तों, इसे देख सकते हैं चोट भी लगा था चाहे पहले लगा हो, ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसकी हड्डी शायद अंदर से टूट गई है थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक भी हो चुका है, काफी पुराना चोट है। चलिए इसे ले चल के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे और बाकी का जीवन आसानी से व्यतीत कर पाएगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। दोस्तों इरादा और कोशिश हमेशा पक्की होनी चाहिए, तभी आप किसी काम में सफल होंगे। दोस्तों सब मेहनत का खेल होता है, सब मेहनत का खेल है, किस्मत नहीं होती है। दोस्तों देख सकते हैं इसका पूंछ भी कट गया है शायद, कहीं से दब गया है और तभी ये गुस्से में है, यानी इसको चोट लगा हुआ है तभी ये गुस्से में है इतना। देखिए कैसे बाइट कर रहा है पूरा मुंह के खोल के। दोस्तों कुंडली मार लिया है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, पहले तो छुड़ाया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कैसे गरज रहा है भैया, इसका आवाज सुनाइए एक बार थोड़ा पास से आके, ये कैसे गरज रहा है। दोस्तों माइक होता तभी आपको सुना देते, लेकिन हमारे पास माइक नहीं है, ना ही लाइट है, ना ही गाड़ी है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, हमारे पास बाइक नहीं है। दोस्तों जब अपने पास सब कुछ होता है ना, सब अपने होते हैं, अगर अपने पास कुछ नहीं है तो सब पराए हैं, यहाँ कोई किसी का है नहीं। जीवन में सफलता बहुत बड़ी चीज है, अगर सफलता आपको मिल गई तो सब पीछे पीछे घूमेंगे, सब मानेंगे। अगर आप सफल नहीं हैं तो कोई पीछे नहीं घूमेगा, सब छोड़ देंगे। मेन चीज है पैसा, पैसा रहेगा तो सब पीछे पीछे घूमेंगे, नहीं कोई नहीं आएगा पूछने आपको, आप मर जाएंगे लेकिन कोई आएगा नहीं। दोस्तों बहुत तेजी से अटैक किया, अभी देख सकते हैं। चलिए खतरे से खाली नहीं है, बाइट भी कर सकता है, पहले इसे छुड़ा लिया जाए। दोस्तों काफी तगड़ कुंडली मार दी है। दोस्तों हमको बाइट भले कर दे, लेकिन हम लोगों का जो प्राण लिए हैं इसे तोड़ नहीं सकते हैं, बेजवानों को बचाने का प्राण लिए हैं, इसे सुरक्षित पकड़ा जाए और ले चल के जंगल में रिलीज किया जाए, कर दिया जाए। दोस्तों चलते हैं, इसे छोड़ देंगे घर परिवार से दूर, जहाँ जंगल झाड़ी हो वहीं पर इसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों भैया डिब्बा बताइए पैक कर दीजिए, कम से कम 5 kg डिब्बे में आएगा, उससे खा ले नहीं। दोस्तों पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे भैया, बैग में दवा होगा निकालिए, इसी में ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, होगा कि नहीं। नहीं घर तो दोस्तों एक चीज और इसका खास बात बता दे, पेड़ पे बहुत तेजी से चढ़ता है अंडे बच्चे को खाने का, ये पेड़ पे बहुत तेजी से चढ़ जाता है। और दोस्तों अपने भारत में लगभग 20 साइज का जहरीले सांपों में, नॉन वेनमस सांपों में सबसे 20 साइज का यही होता है, बाकी जहरीले सांपों में तो बताएं किंग कोबरा आ जाता है। सॉरी दोस्तों अजगर सांप भी है, अजगर सांप भी नॉन वेनमस होता है, इससे कई ज्यादा गुना है, काफी वजन होता है उसका और लंबा भी होता है, वो लगभग 18 फीट में पाया जाता है। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं, फ्री हैंडलिंग हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलेंगे। दोस्तों रिस्क तो बहुत उठाते हैं, देख सकते हैं, हो सकता है फ्री हैंडलिंग हो जाए। हो गया दोस्तों फाइनली, इसका गर्दन कैच में आ गया, अभी कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए भैया डिब्बा लाइए,
लेकिन दोस्तों देख ही देखा आपको हीरो नहीं बनना है, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट लिए होता है, आप करेंगे तो आपका दुर्घटना हो। दोस्तों इसका साउंड सुनिए, तो काफी फुर्तीला सांप होता है, इसलिए इसे पकड़ना ज्यादा देर, काफी तगड़ एकदम छटपटाता है, यानी बहुत तगड़ है। भैया टिब्बल आइए, लेट मत करिए, चलिए इसे एक बार फ्री कर देते हैं, देखते हैं जाता कहाँ है। दोस्तों ये हाथ की कला है, कैसे इसे हैंडल करना है, हर सांपों का अलग अलग हैंडल यानी हैंडल मेथड होता है, हर सांप को एक तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है, हर सांपों का माइंड समझना अलग अलग बात होती है, कुछ और तरीके से बाइट करता है और अगर अदर सांप कुछ और तरीके से बाइट करते हैं, सबको एक सेम तरीके से नहीं हैंडल किया जाता है, सब सांप का मेथड अलग अलग होता है हैंडल करने का। अब इसी की जगह अगर कोबरा होता तो ऐसे नहीं पकड़ते उसे, दूसरे हिसाब से उसका भी हैंडल करने का तरीका अलग होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम फाइनली पैक कर लेंगे, क्योंकि डिब्बा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, किसमें इसे पैक किया जाए, अब हम पैक कर लेंगे। चलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत बाय। लेकिन दोस्तों एक तो प्यारा कमेंट करिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा है, और वीडियो को दूर तक शेयर करिए, ताकि ये जन जागरूकता हर लोगों तक फैल सके और लोग जागरूक हो सके। तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, लव यू। दोस्तों देख सकते हैं पसीने पसीना हो गया, बिना मेहनत किए कुछ होता नहीं। चलिए थैंक यू, बाय बाय।